Good morning, dear parents and students. I am Prashant and I am back with you again with my basic vocabulary day 7. So let's start without wasting our time. First word is fence. Fence, fencing. Maybe you heard this word. आपका जो घर है उसके चारों साइड हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, फेंसिंग बनाते हैं, हम फेंस करते हैं. वो हम स्टील से कर सकते हैं, वो हम ब्रिक्स से कर सकते हैं, हम दीवार खड़ी कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज, जिसको हम अपने घर के से थोड़ा दूर बनाते हैं, बाउंड्री तरह की बनाते हैं, किसी भी चीज़ से बनाए, वो क्या होती है, फेंसिंग. क्या होती है, कमान, फेंसिंग, एफ ई एन सी ई, फेंस, एफ ई एन सी ई, फेंस. सेकेंड वर्ड इज वास, वी ए एस ई, वास. वास इज नथिंग बट आप फ्लावर्स रखते हैं अपने घर पे, इतना बड़ा आपका पॉट जैसा होता है, उसके अंदर आप क्या रखते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वास. कम ऑन, स्पीक विथ मी, वास, वी ए एस ई, वास. थर्ड वर्ड इज अलमीरा, ए एल एम आई आर ए एच. जो आपके घर पे होता है ना, आप बोलते हैं अलमारी, अलमारी नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, अलमीरा, ए एल एम आई आर ए एच, अलमीरा. अलमीरा इस तरीके से दिखती है, इसके यहाँ लॉक लगा रहता है, आपने ध्यान दिया होगा, आप लॉक करते हैं उसे, अंदर यहाँ छोटा सा बना रहता है, और फिर अंदर कपड़े रखते हैं, बुक्स रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रखते हैं इसके अंदर. सो वॉट इज दिस, अलमीरा. ओके, एंड वन मोर वर्ड इज रिलेटेड टू दिस वर्ड इज बुकशेल्फ. बुकशेल्फ के अंदर केवल और आप नाम से समझ में आ रहा है, क्या रखेंगे हम, बुक्स. इस तरीके से कुछ होता है, और हम ऐसे ऐसे बुक्स रखते हैं ना, इस तरीके से बुक्स रख देते हैं, हम खूब सारी बुक्स रखते हैं, इसके अंदर केवल क्या होती हैं, बुक्स, ओनली एंड ओनली बुक्स. ये हो गया क्या, बुकशेल्फ. ये क्या है, अलमीरा, वास, फेंस. फोर्थ वर्ड इज वार ड्रॉप. वार लिखा है, वार जैसा कुछ नहीं है, वार ड्रॉप इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अलमीरा ओनली. अलमीरा के अंदर सब कुछ होता है, बुक शेल्फ के अंदर ओनली एंड ओनली बुक्स, जहां हम केवल और केवल ओनली एंड ओनली कपड़े रखते हैं. जैसे इस तरीके से कुछ आपने देखा होगा, आप लोग के घर पर बना होगा, जैसे हम इसे स्लाइड करते हैं, जैसे ही खुलता है इधर इसका गेट पहुंचता है, वैसे ही आप देखते होंगे यहाँ पे कपड़े हैंगर में हैंग कर देते हैं, हम हैंगर्स में हैंग करके रखते हैं, हम लोग यहाँ पे लटका देते हैं कपड़े, खूब सारे कपड़े 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 देखते हैं. तो ये जो स्पेशली जो अलमीरा होती है फॉर क्लोथ्स, हम उसे क्या बोलेंगे, वार्डरोब. जैसे विंटर वार्डरोब होता है, समर का वार्डरोब होता है, विंटर के कपड़े अलग होते हैं, समर के कपड़े अलग होते हैं, उस तरीके से विंटर की वार्डरोब होती है, समर की वार्डरोब होती है. तो वार्डरोब इज स्पेशली एंड स्पेशली फॉर क्लोथ्स. जो हम कपड़े जहाँ पे रखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वार्डरोब. स्पेशली दैट अलमीरा, दैट प्लेस जहाँ पे आप कपड़े रखते हैं, दैट इज नथिंग बट वार्डरोब्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर्स. व्हाट इज स्टेयर्स, स्टेयर्स इज नथिंग बट सीढ़ी. जो आप सीढ़ी बोलते हैं घर पे होती है, आप जंप 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 स्टेप्स होते हैं इसमें, खूब सारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, सीढ़ी. और उसे क्या बोलना है आपको, स्टेयर्स. आपको क्या बोलना है, स्टेयर्स, एस टी ए आई आर एस, स्टेयर्स. आपको क्या बोलना है, स्टेयर्स. ये क्या है आपकी, स्टेयर्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप. खूब सारे स्टेप्स को जब आप मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेयर्स. दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप. एक जो सीढ़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप. पूरी सीढ़ियों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स. जैसे यहाँ पे आपका घर है, घर के बाहर आपके इस तरीके से दो स्टेप बने हुए हैं, इसे आप स्टेयर्स नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप. क्लियर. ओके, अवर लास्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप रोज देखते हैं इस वर्ड को, झाड़ू. दिस थिंग इज यूज टू क्लीन योर हाउस, ब्रूम, बी आर डबल ओ एम, ब्रूम, नथिंग बट कमान, झाड़ू. यस, इसे क्या बोलेंगे हम, ब्रूम. आज से आप इन वर्ड्स को आपको किस में बोलना है, इन इंग्लिश. ओके, कमान एवरी वन, रिवाइज विद मी वन मोर टाइम. फेंस,
FENCE, fence. Second word is vase, जो पॉट होता है जो फ्लावर्स होते हैं, वास. थर्ड इज अलमीरा, ALMIRAH, अलमीरा. फोर्थ बुक शेल्फ, जिसपे बुक्स रखी होंगी. फिफ्थ इज वार्डरोब, जिसमें कपड़े रखे होंगे. स्टेयर्स, जो सीढ़ियां हैं. स्टेप, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप. ब्रूम, झाड़ू. सो एवरीवन, आई थिंक सारे वर्ड्स हो गए. सो कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.